आप सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं आटे से वेज रोल टिक्की, क्योंकि गेहूं का आटा बहुत पौष्टिक होता है और ये फायदा करता है। मैदे से ज़्यादा गेहूं का आटा होता है, ये टिक्की बहुत पौष्टिक रहती है, ये हमारे खाने के लिए हेल्दी भी रहती है और ये कम तेल में से बहुत पौष्टिक खाना बन जाता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इसको लंच में भी, आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं। डो बनाने के लिए चाहिए हमें एक कटोरी आटा और मेरे तीन आलू बॉईल करके इसे मैश करके रखा है वो इसमें हमें डाल देना है। थोड़ा सा हमें नमक डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जरा सी पानी की जरूरत पड़ती है, ये आलू से ही लगभग अपना आटा तैयार हो जाता है। बस इसे मिक्स करने के लिए एक आलू और आटे को थोड़ा सा पानी की नीड होती है। तो हमें टाइट गूंथना है, नरम नहीं गूंथना है। रोल का हमारा दो आटे और आलू अलग तैयार हो चुका है और इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए एक गाजर कद्दूकस की हुई और हमें एक प्याज बारीक कटा हुआ चाहिए, हमें एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चाहिए हमें और एक क्यूब चीज चाहिए जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है और 2-3 हरी मिर्च चाहिए फाइन काट के रखा है मैंने। आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसे कम डालिए। इसमें हल्का सा हमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और हमें थोड़ा सा आधा चम्मच हमें ब्लैक पेपर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, अब हमें इसे साइड रख देना है। 5 मिनट हो चुका है, जो हमारा डो है देखिए अच्छे से रेस्ट कर चुका है। हमें एक बड़ी सी लोई ले लेनी है और इसे रोटी के आकार का हमें बेल देना है। सूखा आटा हल्का सा लगा के हमें रोटी के जैसे इसे बड़ा सा बेल देना है और बहुत पतला नहीं बेलना है, ना ज़्यादा मोटा बेलना है, हमें नॉर्मल रोटी के जैसे ही हमें बेलना है। देख सकते हैं एक रोटी के जैसे ही मैंने थोड़ा सा रोटी से मोटा बोला है। अब जो हमारा ये मिक्सचर है उसे हमें बीच में फैला देना है अच्छे से एक लेयर बना के। ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं करना है, ज़्यादा पतली भी नहीं, लेकिन अंत तक हमें फैलाना है। ये देखिए मैंने जो चाइनीज मसाला बनाया था इसके अंदर स्टफिंग करने के लिए ये पूरा अच्छे से फैल चुका है। अब हम इसे फोल्ड करना है। आप देखिए पहली लेयर ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे करके हमें प्रेस करते जाना है और अच्छे से ये रोल बन गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही रोल बन गया है, इसे हाथ से हल्का प्रेस कर दीजिए। अब इसके हमें 6 भाग करने हैं, पार्ट में डिवाइड कर देना है, बड़े बड़े हिस्से में करना है। ये 2-2 इंच की गैपिंग में मैंने किया है। हमें उठा के इसे हाथों से प्रेस करते जाना है, ऐसे करके हमें हल्के से हाथों से इसे प्रेस करके सारे हमें बना डालने हैं। ये देखिए मैंने एक एक रोल अपने हाथ पे रखा है हथेली में और दूसरी हथेली से मैंने इसे प्रेस किया है। देखिए कितनी कलरफुल टिक्की लग रही है। ये वेज रोल टिक्की बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत हेल्दी होती है क्योंकि इसमें मैंने गेहूँ का आटा डाला है। सारी टिक्कियाँ बन गई, इसी तरह मेरे पूरे डो की टिक्कियाँ बनाना है। मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें 2-3 चम्मच हम तेल डाल देंगे और तेल को चम्मच से अच्छे से फैला देंगे ताकि सारे पैन में फैल जाए और हमें एक एक टिक्की करके इसमें रख देना है, फैला देना है और इसे थोड़ा सा कम आँच पे सेकिएगा तभी वो अंदर तक क्रिस्पी बन पाएगी। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है, इसे कम आँच पे सेकिएगा और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। एक एक टिक्की को धीरे धीरे पलटा के देखेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्राउन हो गई है। ऐसे एक फोक के सहारे और एक चम्मच के सहारे से आप धीरे धीरे इसे पलटाइएगा और कम आँच पे ही ये गोल्डन ब्राउन बनेगी। ये मेरा कम तेल का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पर बनाइए और बताइए कैसा लगा। कोमल्स किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं।